फ्रेंड्स, आज हम शेयर कर रहे हैं आपसे एक फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी, बहुत ही आसान तरीके से, जिसे आप पार्टी में ही नहीं, घर के छोटे मोटे फंक्शन में या फिर कुछ स्पेशल डे है तो उस दिन भी आप बना के अपने घर वालों को खिला के इम्प्रेस कर सकते हैं। और बच्चे अगर मार्केट वाली अनहेल्दी स्वीट्स की डिमांड करते हैं तो आप इसे बना के उसे पूरी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी, आप देख रहे हैं ग्लोबल देसी रेसिपी विद शालिनी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं, इसके लिए मैंने ये नॉर्मल वैनिला फ्लेवर का मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। पर यहाँ पे आपको बता दूं, मैंने कुछ दिन पहले ही घर में एक प्रीमिक्स बनाया था जिससे आप खीर, आइसक्रीम, केक सब बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा उसे भी मेरे पास बचा हुआ था तो मैंने दूध में डाल दिया है उसे, और उसके साथ ही मैंने ठंडे दूध में इसे डाल के मिक्स करना है। तो मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर के लिए हैं और 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें प्रीमिक्स भी डाला है जो मैंने पहले बना के रखा था। तो उसकी रेसिपी भी चैनल पे अपलोड है, आप उसे बना के तैयार करके और घर में खीर बना रहे हैं, कोई भी पुडिंग बना रहे हैं या फिर कस्टर्ड ही बना रहे हैं या आइसक्रीम बना रहे हैं या खीर बना रहे हैं, सेवई बना रहे हैं, कोई मिठाई बना रहे हैं, तो आप उसे बना के आप रख लेंगे तो फटाफट इंस्टेंट वे में आप तैयार कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो डिब्बा दिखाया है उसमें भर के मैंने बना के रखा था। अभी देखिए इसमें थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, तो जो इसमें ड्राई फ्रूट्स मैंने और इलायची पाउडर सारे मिक्स किए थे प्रीमिक्स में, ये वही हैं। और यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर से 2 लीटर के करीब दूध मैंने पतीले में उबाल लिया है। तो उबलते दूध में इसे धीमे धीमे करके इस तरह से डालते हुए मिक्स करना है। ये देखें तो धीरे धीरे जो है ये दूध गाढ़ा होने लगेगा कुछ इस तरह से, ये देखें। तो इसे चलाते हुए ही हमें पकाना है, ध्यान रखें क्योंकि ये इसमें कॉर्नफ्लोर होता है बेसिकली, तो वो जो है वो नीचे लग जाता है तले में तो वो जलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसे चलाते हुए ही पकाएं। तो ये देखें, तो यहाँ पे ये भी हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और ठीक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और ऊपर मलाई की परत ना पड़े मोटी सी, तो इसके लिए थोड़ी देर हमें इसे चलाते हुए ठंडा कर लेना है। ये देखें अब इतना गाढ़ा है, ये जैसे जैसे ठंडा होगा और गाढ़ा होते जाएगा ये देखें। और इतना बनाने के बाद आप बहुत सारे तरह के डिज़र्ट इससे तैयार कर सकते हैं जो कि आगे हम चैनल पे डालेंगे, आपको शेयर करेंगे आपसे। तो यहाँ पे मैंने ये सेब ले लिया है, मैंने 3 एप्पल और यहाँ पे 2 बनाना। तो यहाँ पे फ्रूट की क्वांटिटी कोई भी इसमें मैटर नहीं करती, आपको जितना जो भी फ्रूट पसंद है, जितना पसंद है वो डालें, आप कोई एक फल भी डाल सकते हैं और चाहे तो कई सारे फ्रूट्स इसमें आप मिक्स करके डाल सकते हैं। तो ये ठंडा हो गया है मेरा, मैंने फ्रिज में रखा था क्योंकि ठंडे ही कस्टर्ड में फ्रूट्स ऐड करेंगे और फ्रूट को मैंने चॉप कर लिया है महीन महीन। ये देखें बिल्कुल ठंडा कस्टर्ड है और यहाँ पे केला और सेब को जो मैंने महीन महीन इस तरह से इसे चॉप करके रख लिया है यहाँ पे आप। तो यहाँ पे फ्रूट्स की कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर ग्रेप्स का सीज़न है, मैंगो का सीज़न है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, पाइनएप्पल पसंद है वो भी आप इसमें मीठा हो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी बनाना और एप्पल डाले हैं महीन चॉप करके। ध्यान रखें कस्टर्ड पूरी तरह से ठंडा हो जाना चाहिए तभी इसमें आप ये फ्रूट जो हैं ऐड करें। तो कोशिश करें दोनों ही ठंडे ठंडे रहें, ये ठंडे में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने मॉर्निंग में इसे बना के फ्रिज में रख लिया था और शाम को मैंने सर्व करने से जस्ट पहले इस तरह से मिक्स किया है और इसमें थोड़ी सी मैंने ये टूटी फ्रूटी ऐड कर ली है, आप यहाँ पे नट्स जो है वो चॉप करके ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी डाल दिया, इसमें चेरी हो अगर तो जो टिन वाले चेरी आते हैं उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं, उससे गार्निशिंग इसकी कर सकते हैं। तो अभी सर्व करने को तैयार है ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड, ये देखें बहुत ही क्रीमी, बहुत ही ये डिलीशियस तैयार हुआ है। इसे सर्व आप कर सकते हैं चाहे तो केक के साथ या फिर इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। साथ में मैंने एक सब्ज़ी नई बनाई थी, शायद आपको बहुत सारे दोस्त इसमें से मालूम भी नहीं होगा, ये हमारी तरफ भूमि फोड़ कहते हैं इसको, जो कि मशरूम ही मशरूम की फैमिली का होता है जो कि जंगलों में ये अपने आप निकलता है, इसकी खेती नहीं की जाती है। तो मैंने सब्ज़ी में यही बनाया था तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी नई नई सी सब्ज़ी है तो आप लोगों से शेयर करूं। तो
अगर कोई फ्रेंड इसे जानता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और ये हमारा है कस्टर्ड तैयार है। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो इसे लाइक किए बिना और शेयर किए बिना ना जाइएगा फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कस्टर्ड की मैंने पहले भी रेसिपी चैनल पे अपलोड की है तो आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय।